हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल वन मधु ब्लॉगर। और आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो मैं अभी सुखाऊंगी अपने कपड़े और आगे वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि पेंट के दाग आसानी से कैसे छुड़ाएं। उसके लिए मैं आपको एक छोटा सा प्रोडक्ट भी दिखाऊंगी, तो बने रहिए मेरे वीडियो में आगे। और मेरे साथ साथ आदित भी हैं ब्लॉगिंग करने के लिए तो प्लीज़ आप लोग ब्लॉग को देखना, स्किप मत करना। और फ्रेंड्स से रिक्वेस्ट है कि जिन फ्रेंड्स ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो डेली मेरा ब्लॉग देखने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया है उनका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सपोर्ट करने के लिए, इतना प्यार देने के लिए। थैंक यू सो मच। आगे बने रहिए मेरे वीडियो में। आई होप आपको ब्लॉग अच्छा लगेगा। ओके हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो गाइस? और मैं अच्छा हूँ, आपको बताइए। और ये मम्मी, हम लोग कपड़े सुखाने का टास्क है। टास्क है ये? अरे कपड़े सुखाना है, ये टास्क नहीं, ये काम है डेली का। हाँ, काम है तो काम को ही तो टास्क है। अच्छा अच्छा, ठीक है। हाँ, आप इनसे सीखे कि आप एक बार में कितने सारे कपड़े सुखा सकते हैं। आधे सुखा के सूख चुके हैं और बस थोड़े से बाकी हैं, वो हम सुखाएंगे। और एक बात और बतानी थी कि जैसे पेंट छुड़ाने के लिए हम लोगों को क्या यूज करना चाहिए। हाँ, आज के वीडियो में हम लोग आपको बताएंगे, क्योंकि अभी थोड़े दिन पहले मेरे यहाँ हेलो गाइस, ये मेरा डॉगी है, ये बहुत अच्छा है, ये हम लोग ने कुछ दिन पहले पाला है। आप इसका देख सकते हैं, ये भी बोलना चाहेगा। रहता है, और हम लोग इसको मिल्क और रोटी न्यूट्रिएंट सब देते हैं। और ये हम लोग का बहुत अच्छा पेट है। और गाइस, आप लोग कैसे होंगे? और ये मेरा डॉग। और गाइस, मम्मी कपड़े सुखा रही हैं और मेरी सफर में केशम्स हैं। तो गाइस, मेरी सफर में केशम्स हैं और मुझे बहुत सारा वर्क मिला है। तो क्या नाचोगे? हाँ, वर्क कर लीजिए। और गाइस, मैं आपका इंट्रोडक्शन एक बार और देता हूँ। आदित्य सिंह राठौर मेरा फुल नेम। चुप, बिल्कुल चुप। हिम्मत कैसे हुई तेरी मुंह खोलने की? स्कार बुक। हाँ गाइस, मैं आपको दिखाने वाला था। हेलो गाइस, ये मेरी स्कार बुक और ये इस जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। मैं आपको अपनी स्कार बुक दिखाऊंगा जो बहुत बढ़िया है, और मैंने उसको बनाने में बहुत मेहनत करी है। आप देखिए, ये मेरी गाइस स्कार बुक अंदर से बहुत अच्छी है, लेकिन मैंने इसको अंदर से रंगीलो टेप से सजाया है, रंग बिरंगे टेप से। और रंग बिरंगे आप कलर पेपर तो जानते ही होंगे। हाँ, मैं सबकी फोटोज लगाऊंगा और डेकोरेट करूंगा जब ही पूरी कंप्लीट होगी। तो गाइस, और मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा कि कैसी बनी है। और मैं सामान बता देता हूँ जिससे कि बनाई गई है। गोल्डन टेप लगा है, ब्लू टेप, चार्ट पेपर, कलर पेपर्स लगे हैं, तभी स्कार्ट बुक बन गई है टोटल। और अभी इसमें अंदर से सजावट करना बाकी है, और ये बहुत बढ़िया स्कार बुक बन जाएगी जब ये पूरी तरीके से बन जाएगी। तो फ्रेंड्स, जो मैं स्टार्टिंग में बता रही थी वो ये था, ये पेंट की शॉप पे मिलता है और इससे जो पेंट के फर्श पे जो पेंट के दाग हो जाते हैं वो बहुत जल्दी छूट जाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पेंटिंग हुई थी तो हमको पेंट छुड़ाते छुड़ाते बहुत हम परेशान हुए थे, छूट नहीं रहा था, तो मैंने इसको डाला था। ये थिनर होता है, जैसे हम लोग नेल पेंट छुड़ाते हैं थिनर से, ऐसे ही बड़ा थिनर होता है। तो इसको अगर आप ऐसे फर्श पे थोड़ा सा डालेंगे, थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे, फिर एक थोड़े रफ चीज़ से आप उसको ऐसे रगड़ेंगे तो बिल्कुल बहुत जल्दी आपके पेंट के दाग छूट जाएंगे, जैसे हमारे घर के छूट गए हैं। देखिए, पहले हमने वीडियो बनाया था तो आपको दिखाया था बहुत दाग
बहुत जिगरी दाग मेरे फर्श पे लगे हुए थे और अब आप देख सकते हैं, देखिए सारे दाग छूट चुके हैं, साफ़ हो चुकी है गैलरी बिल्कुल बिल्कुल अब साफ़ हो चुकी है। तो हो सकता है आप लोगों में से बहुत लोग ये जानते हों, लेकिन मैंने इसलिए बताया था कि जिन लोगों को नहीं पता है और जो लोग पेंट के दाग छुड़ा के परेशान हो रहे हैं तो वो इसका यूज़ करें और काम को आसान बनाएं। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो उसे लाइक करना, और जिस फ्रेंड ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच।